नमस्कार मित्रों, बातों बातों में कि आज की कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 117वां भाग है और हम एक ऐसे रंगकर्मी से बात करने जा रहे हैं जो जबलपुर से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन उनकी अपनी पहचान, उनकी प्रतिष्ठा और उनके किए गए काम की तारीफ पूरे देश में होती है। श्री वसंत काशीकर जी, जो जबलपुर की रंग संस्कृति का, रंग चेतना का एक बड़ा आइकॉन बन के हमेशा स्थापित रहे हैं। बहुत विनम्र, बहुत सज्जन, बहुत गुणी व्यक्तित्व, जो अपने काम पर भरोसा करते हैं, अपने काम के परिणाम पर भरोसा करते हैं। ऐसे वसंत काशीकर जी, जिन्हें लगभग 40 साल से भी अधिक समय से काम करते हुए थिएटर में हो गया है, उन्होंने थिएटर के बहुत सारे आयामों में काम किया, वो 7:05 पर हमारे बीच होंगे। मैं आदरणीय राजू भैया को प्रणाम करता हूँ, वो इस समय जुड़े हमसे। सुरुचि मोहता जी को नमस्कार करता हूँ और शशि को नमस्कार करता हूँ। अदीब नामा, आपको नमस्ते, आपका नाम मैं नहीं जान पा रहा हूँ पूर्ण। और वसंत काशीकर जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप में रंगमंच की बहुत सारे आयामों को जिस तरह से नियंत्रित करते हैं, जिस तरह से विस्तारित करते हैं, उनका एक अलग ही अंदाज है। और के जी भैया, आपको नमस्कार करता हूँ, बहुत दिनों बाद आप आए हो, अच्छा लग रहा है। और मैं जानता था कि वसंत काशीकर जी हैं तो फिर प्रदेश के बहुत सारे वरिष्ठ और अनुभवी उनके कलाकार मित्र, उनके साथी जरूर इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। और ये सचमुच भी बहुत अच्छा है। ब्रजेश जी, आपको भी नमस्कार। वसंत काशीकर जी का जन्म देवरी सागर में हुआ था और वहाँ से जबलपुर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और जबलपुर से फिर वो आगे जब वो रचनात्मक आयाम में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने फिर एक साथ अपने काम और अपने हुनर, अपने शौक, इस सबको बहुत प्रतिबद्धता के साथ परवान चढ़ाया। ये लगभग मैं जो अपने इस पूरे क्षेत्र में जो मेरी अपनी चेतना है, लगभग 1985-86 से मैं अखबार में, भोपाल के समाचार पत्रों में कला संबंधी विषयों पर टिप्पणियां लिखना शुरू किया था मैंने, उसमें नाटक भी शामिल था। तो उस चेतना में भी मुझे उनका स्मरण रहा। और जो हमारे समय के यहाँ पर जो वरिष्ठ रंगकर्मी अलख नंदन जी की आज मुझे बहुत याद आई। अलख नंदन जी उनके काम पर, उनकी रचनात्मकता पर बहुत विश्वास करते थे काशीकर जी की। तो ऐसे व्यक्तित्व के काम को पहली बार देखता, पहली बार जानना बड़ा अनूठा अनुभव होता। और वो सब हम लोगों ने फिर धीरे धीरे एक के बाद एक देखा भी। उनके बहुत सारे नाटक, जैसे मानबोध बाबू का मैं बहुत प्रशंसक हूँ, एक मौसाजी जय हिंद का बहुत प्रशंसक हूँ, रानी नागपन्नी की कहानी उनका नाटक है, उसके अलावा दूसरी आज़ादी, एक मामूली आदमी, आंखों देखा गदर, मायाजाल, सुपनवा का सपना, अर्जेंट मीटिंग, 10 दिन का कारावास, अनशन, ये सब बहुत सारे उनके नाटक हैं जिसमें उन्होंने निर्देशित भी किया और बहुत सारे नाटकों में भूमिकाएं भी निभाई। तो उनकी जो ये बड़ी खासियत है कि जितना अच्छा निर्देशन उतना ही अच्छा अभिनय भी। कई बार ये होता है कि तराजू के दो भाग हैं, निर्देशन और अभिनय। आए हो? नहीं आया तो चलती में उड़ता था, इसलिए ऐसा ऐसे मतलब छू के चले जाते थे। के जी भैया, केतकी मुसले जी आपको नमस्कार, संयम जैन आपको नमस्कार, हरीश तिवारी जी आपको भी नमस्कार। लगभग 7-5 के आसपास, 7-5 तो हो ही रहा है। किसी भी पल वसंत जी आते होंगे और फिर हम उनके साथ जुड़ जाएंगे। हमारी उनके माध्यम से उनकी सृजन यात्रा को जानना अपने आप में बड़ा दिलचस्प अनुभव रहेगा। उनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो शीघ्र आके जुड़ेंगे।
शांभवी अंकुर जी, नमस्ते बेटा, नमस्ते, अच्छा लग रहा है तुम आज आ गए बड़े दिनों बाद, खुश रहो, हंसते रहो। मैं यहाँ कोशिश करूँ, कहीं वसंत जी राह में होंगे तो मैं उनको ले आता हूँ। एक कोशिश है, अगर वो कहीं किसी और माध्यम से प्रवेश कर रहे होंगे तो मैं उनको लिंक भेज देता हूँ और वो हमसे जुड़ जाएंगे बहुत जल्दी। काशीकर जी ने बताया, वो अनौपचारिक बातचीत में बहुत सारी बातें होती थी तो वो बताते थे कि हम जबलपुर में जो एक पूरा रंग आंदोलन जो 40-50 साल पहले परसाई जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से शुरू हुआ, उससे किस तरह से उनका एक रिश्ता बना रहा, कैसे वो लगातार जुड़े रहे। हमारा इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू हमेशा देखती रहती हूँ, बहुत अच्छी बात है। जिज्ञासा सोसाइटी, हाँ यही यही संस्था इन दिनों काशीकर जी की है जिसपे वो सारी कुछ अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं और पूर्ण रूप में इससे जुड़े हुए हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या जिज्ञासा सोसाइटी के माध्यम से ही वो आए हैं तो मैं उनको जोड़ लूँ, या वे अपने नाम से इंटर होंगे। वसंत जी, आप जिज्ञासा सोसाइटी से आए हो क्या, जुड़े हो अभी? क्योंकि मैंने आपको, आपका जो यहाँ पर आपके नाम का अकाउंट है उसी से जोड़ा हुआ है। एडिटर पवन, नाम से आएंगे ना? ठीक है ठीक है, समस्या नहीं, ब्रजेश में तो आ ही रहे होंगे, एक दो मिनट इधर उधर होगा। ये जिज्ञासा संस्था भी उन्हीं की है, मैंने इसीलिए कन्फ्यूजन दूर कर लिया। मंजरी दीदी को प्रणाम कर रहा हूँ, आप आ गए, मन खुश हो गया। निवेदिता सोनी, मंजरी दीदी आज जो हमारे बीच वसंत काशीकर जी बातचीत करने आ रहे हैं वो जबलपुर से हैं और एक बड़े रंगकर्मी के रूप में उनकी पहचान है पूरे देश भर में। विवेचना नाम की संस्था से वो लगभग संस्थापक सदस्य की तरह जुड़े रहे। विवेचना के बारे में कहा ही जाता है कि हरिशंकर प्रसाई जी ने उसको स्थापित की थी और वही एक यात्रा उनकी लगातार चली, जिस जो बात इस समय अब अनवरत हो रही है जिज्ञासा के माध्यम से। मान सिंह जी, आप का भी धन्यवाद कि आप पधारे। जी जी हाँ दीदी, सही बात, जिज्ञासा से देख ले, ठीक है। मेरी आवाज कम आ रही है भाई साहब? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार सुनील जी, थैंक यू। आपको मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं ठीक से? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अच्छे सुनाई जा रही, ठीक ठाक जी। जी आपकी आवाज तो बहुत ही बुलंद आ रही। अच्छा, राजीव भैया कह रहे थे, राजीव वर्मा जी भोपाल से, की आवाज कम आ रही है, तो कैसे करें बताइए आप। आपको आप आ रही है? बता रहे हैं कि
हाँ, पर अब राजीव जी पता नहीं कह रहे हैं कि नहीं आ रही है, पर वैसे हम लोग सुन पा रहे हैं एक दूसरे को। वो राजीव आप जी। एयरफोन, हाँ आप एयरफोन लगाए हैं क्या? लगा लीजिए। लगा लेता हूँ, लगाया नहीं हूँ, उसमें थोड़ा हाँ वैसे जरूर, हाँ छोड़ दीजिए, मत लगाइए। अब वो प्रॉब्लम कह रहे हैं होता कि हाँ, अब वो कह रहे हैं आप ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। है। और हाँ वो कई बार क्या जब होता है ना, हमारा अपना वॉल्यूम कम रहता है तो नहीं सुनाई देता हाँ ये बात है, वो है कह रहे ना हैं आप ठीक है। हाँ जी। राजीव जी विजय, नमस्कार। हाँ, राजीव विजय जी आज गणेश जी हैं। समय भी देख रहे हाँ, और केजी त्रिवेदी है। जी हैं, प्रमोद डिकाटे जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, हाँ सबको नमस्कार। प्रमोद, दिल्ली से मंजरी सिन्हा जी हैं, बहुत बड़ी क्रिटिक हैं जो डांस और हाँ हाँ म्यूजिक जानता की, हूँ बहुत वो अच्छे भी। से यार हाँ, वो भी जुड़ी हैं, और भी मंजरी कई जी। जी लोग। जी आप बताते बहुत जाइएगा क्योंकि कई बार यहाँ स्क्रोल। हाँ, आपकी बातचीत होती रही, बीच बीच में मैं उन नामों को फिर कह दिया करूंगा। हाँ, जिसे अभी तो आ गया, ब्रजेश चन्ना आया है। हाँ हाँ, ब्रजेश तो शुरू से, विजय भाई की कह रहे थे कि देर हो रही, क्या बात है, तो मैंने कहा कि आते ही होंगे बस। नहीं वो क्या, हमारी पत्नी जी भी ज्वाइन किए ना, तो उनका सेट कर रहा था मैं। अच्छा ये अच्छा इस बार अच्छा अच्छा पहली बार किया ना, मैंने खुद हाँ पहली बार रीता, यूज किया। हाँ पर ये बहुत सरल और अच्छा उपाय है। रीता भाभी भी है, राजीव भैया जी बता रीता रहे हैं कि रीता जी भी। जी, राजीव जी और रीता जी तो बहुत गजब के लोग हैं, हमारे हम बहुत लोग के लिए करीबी वो, हम लोग के लिए वो शिव पार्वती की तरह। मैंने हैं। बहुत हाँ नए हम समय तो से उन बहुत लोगों से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, और उनके नाटक हमने बहुत बुलाए जबलपुर में, वो बहुत ही बढ़िया हाँ है, आदर सत्कार बहुत है उनका। हम लोग जबलपुर से आते हैं तो मतलब उनके यहाँ खाना खाए बिना तो आ ही नहीं, बहुत बहुत अद्भुत है दोनों को। ये नमस्कार राजीव जी, नमस्कार रीता जी, नमस्कार। रोहन राजेंद्र पुजारी जी, बहुत सारे लोग जो आपके जानने वाले वो भी जुड़े। जी, भाई इधर, भाई साहब 2-4 महीने कैसे व्यतीत हुए आपके? अच्छा 2-4 महीने तो पता ही नहीं चला इतना। बीच में फोन आ गया था। हाँ 4 महीने, एक तो मैं इसके साथ जुड़ा हूँ, गीतांजलि ना, ना मेरा मंच के साथ, तो जी लगातार उसके साथ काम करते रहे, उनके साथ 3 बजे से ज्वाइन करना रहता रहा, फिर 6 बजे से। इस बीच क्या, हाँ छिंदवाड़ा वालों ने बोला, तो छिंदवाड़ा वालों का वर्कशॉप था, एक्टिंग वर्कशॉप, तो उसका हाँ उन्होंने हम लोग को मार्गदर्शक बनाया था, तो सारे लोगों को उपलब्ध कराना, उनसे बातचीत कराना, उनका पूरा का पूरा सेटअप कराना, वहां बहुत बड़ा काम हो रहा है, सारी चीजों की डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। मैंने उनसे बोला कि ये टाइम पास ना हो, कि लोगों ने, इतने बड़े बड़े लोग उपलब्ध हो सके इन समय में, सारे लोगों ने जो बातचीत कही है उन बातचीत को डॉक्यूमेंट्स करो तो आने वाली पीढ़ी को काम आएगा। हम सब चले हाँ जाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग साथ उसको ट्रांसक्रिप्टिंग करिए आप, लिखिए, हमने बोला दोनों जगह, ग्वालियर में भी, और उनने ग्वालियर में गीतांजलि की तो अभी भी चल रहा है, तो अद्भुत काम कर हाँ रही है। तो हाँ बिल्कुल सही बात। हुआ, मैं इस बीच एक दो ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, एक प्रेमानंद गजवी का नाटक है मराठी में, उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, और फिर एक नाटक और है तेरवा मराठी से, वो किसान आत्महत्या को लेके, उनकी विधवाओं को लेके, बहुत अद्भुत नाटक है दोनों, तो का करीब करीब कंप्लीट हो गया है ट्रांसलेशन, ये काम चल रहा है, पढ़ाई का काम चलता रहा। फिर परसाई जी की रचनाओं पे मैं कहत परसाई का एक 50 रचनाओं का एपिसोड बना रहा हूँ, वो सारे स्थलों पे जाके जहाँ परसाई जी बैठते थे, परसाई जी मेरे अग्रज मित्र, तो मैं पर जी जब अपनी बात शुरू करूंगा तो परसाई जी मेरे केंद्र बिंदु हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण विवेचना थी, उन्हीं के कारण हम सब जबलपुर के रंगकर्मी हो, जो कुछ भी आ जाए परसाई जी की जगह, तो उनपे मैं बिल्कुल उन अलग स्थलों पे, आज जैसे कल हम गए थे तो मॉडल हाई स्कूल में, वहां वो शिक्षक थे 43 50 तक, और मैं भी वहीं पढ़ा हूँ, तो कल पूरा मॉडल हाई स्कूल में एक रचना शूट की, जो 5 सितंबर को मैं डालूंगा यूट्यूब पे, बहुत अच्छा हाँ है।
शिक्षकों के सम्मान के लिए बातचीत की है। हाँ तो इस तरह से ये काम करते रहे, मुझे तो लग रहा है 24 घंटे की जगह 48 घंटे का दिन होना चाहिए, इतना कम पड़ता समय अच्छा बहुत काम है। कहीं कहीं कुछ मित्रों का ये कहना था कि क्रिएटिव मित्रों का, उसमें वरिष्ठ भी शामिल थे, कि ये छुट्टियां, ये जो अवकाश मिला ये तनाव से भरा हुआ था, इस पे कुछ क्रिएटिव नहीं कर क्योंकि पाए। ये व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है, हम यदि ये संकट मान के जिए कि आने वाला भविष्य क्या होगा कैसा होगा, तो आपको तनाव होगा। आप इसको जी पॉजिटिव वे में लें कि हमको ये समय मिल गया और सारी चीजें पढ़ने, पढ़ाई तो खैर सही नहीं होती, आप किताब पढ़ोगे तो नहीं पढ़ते, पर क्रिएशन करो, राइटिंग वर्क करो, ट्रांसलेशन करो, रूपांतरण करो, लोगों से लगातार जी बातचीत करो। हमारे दोस्तों ने हमें, सारे लोगों ने बोला है कि इस दौर में रोज कम से कम 10 दोस्तों से बात करो आप जरूर, पहले नहीं होती थी, व्हाट्सएप और ये सब में बातचीत नहीं होती थी, हमारी जो आवाज से बातचीत होती थी, जितने हमारे पुराने मित्र हैं स्कूल के जमाने के, कॉलेज के जमाने के, थिएटर वर्ल्ड के, बॉलीवुड के मेरे अपने दोस्त थे, सारे लोगों से मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ फिर पढ़ता हूँ। वैसे तो मुझे तो नहीं लगता है, काहे का तनाव है, कोई तनाव नहीं। आप बहुत सारी चीजों की क्यों आशाएं करते हो, वक्त आएगा और थिएटर कभी नहीं मर, थिएटर एक नया रूप में आएगा ये जरूर है, और लोग उसके लिए प्रयत्नशील, तो थिएटर तो आएगा सुनील भाई, और इसलिए कोई भी जी तनाव नहीं लेना चाहिए। और ये जो महामारी, ये बीमारी आई है तो आई है, मलेरिया आया था, प्लेग आया था, ये सारे आया था, तो आया है सभी के लिए, आया पूरे विश्व के लिए आया, तो विश्व के इस संकट को अपन वे ऑफ लाइफ में ले लो ठीक है। और ये बात सोचना कि सामने वाले को कोरोना है तो उस हिसाब से आप सुरक्षित रहें, खुद को सुरक्षित रखें, कुछ नहीं रखें। मेरे जीवन का तो यही उद्देश्य, हम तो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मेरे को तो कोई तनाव नहीं, खूब काम करते हैं। मैं 70 वर्ष का हो गया हूँ, 70वां चल रहा है मेरा, पर मुझे हाँ ये नहीं लगता। मैं स्वयं मतलब यकीन नहीं करना चाह रहा था जब आपने वो भेजा अपना परिचय, तो मुझे लग रहा था कि ये 1951 कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है 71 की जगह। साल की तो रंग यात्रा हो गई ना, 40 वर्ष तो हम लोग को हो गए। और इसकी मैं शुरुआत बताता हूँ कि मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूँ ना, बातचीत तो कर ले, शुरू कर ले नहीं बिल्कुल बिल्कुल हमारी बहुत क्या मतलब हुआ? मुझे खुशी होगी। कि आपने पढ़ा होगा, मैं देवरी, सागर जिले के हाँ देवरी, वहां पैदा हाँ हुआ, देवरी के पास एक पिपरिया गांव है, वहां हम लोग की खेती है पूछते नहीं, जी खेती भी थोड़ी बहुत है, जाते रहते वहां, गाँव है वहां, वहां चौथी तक पढ़े, वहां बहुत सारे संस्कार हमारे में आए, ये सब चीजें हैं। वहां से जबलपुर आए, भाई साहब जबलपुर आ गए, सारे परिवार के जबलपुर आए, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो जबलपुर आके जी सबसे पहले हमने काम किया, बुंदेली मुझे आती थी, हिंदी नहीं आती, तो शुद्ध हाँ हिंदी, खड़ी हिंदी बोलना सीखा। हमारे एक श्याम अच्छा सुंदर साहब थे, उनके घर हम वाह जाते खड़ी हिंदी, और मैं सबसे खड़ी हिंदी बोलती, शुरू में बड़े हंसते थे लोग, जो हम गांव की हिंदी बोलते थे तो मोहल्ले वाले हंसते थे, तो हमने हंसने दो, सबके बीच में फिर हमने खड़ी हिंदी बोलना सीखा। फिर मैं मॉडल हाई स्कूल में एडमिशन हुआ, मेरा मॉडल हाई स्कूल जबलपुर की एक मानी हुई स्कूल है, जब शिव प्रसाद निगम जी थे उस समय मेरिट में 18 में से 17 मॉडल हाई स्कूल के रहे, टॉपर हमेशा मॉडल हाई स्कूल, उस स्कूल वाह में हम पढ़े, वहीं पे परसाई जी भी पढ़ाते थे, सन 1943 से 1950 तक परसाई जी वही शिक्षक थे। तो अच्छा अच्छा ऐसे स्कूल में हमको वहां को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होती थी, उसको बोलते थे मॉडल मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल, बहुउद्देशीय, तो वहां क्राफ्ट सिखाना, तो वहां थिएटर एक सब्जेक्ट की तरह सिखाते थे हम लोग, और एक्स्ट्रा टाइम में हम सारे लोग थिएटर करते थे, वहां पे गोटिया मास साहब, एक जोसेफ मैडम थी, हम लोग को थिएटर सिखाते कैसे करना। तो पहला नाटक मैंने ठाकुर का कुआं 6th में था तब डायरेक्ट किया, तो वो टीचर जो थी वो बैठ जाती थी, बोले बताओ इसमें प्रेमचंद को पढ़ा है, हमने बोले नहीं प्रेमचंद को पढ़ो आप, प्रेमचंद को पढ़ के फिर ठाकुर का कुआं पढ़ो, कैसे गाँव में अलग, हम 6th में, हमको तो समझ नहीं, लेकिन गाँव में मुझे एक चीज जहन में थी कि जहां हम रहते थे हमारी वो बाखर कहलाती थी, बाखर के सामने एक हाँ बावड़ी, उस बावड़ी में इस हाँ तरह उच्च वर्ग के लोग पानी भरते थे और उस तरह निम्न वर्ग के लोग पानी, कुआ एक ही था, तो हाँ मुझे उसके पे से ठाकुर का कुआ याद आया,
तो वो करने में मुझे बड़ा आसान लगा। जब 6वीं क्लास में मैंने ठाकुर का कुआं निर्देशित किया नाटक, उसके बाद बहुत सारे नाटकों में अभिनय किया। वैज्ञानिक नाटक वहां बहुत होते थे, गैलीलियो नाटक हमने 9th क्लास में तब गैलीलियो नाटक किया था। एक हरी हमारे साइंस टीचर थे कानडे सर, उन्होंने खुद लिखा था, लिखते थे वैज्ञानिक। तो वहां से हमारी शिक्षा प्रारंभ हुई। फिर हम कॉलेज में आए, साइंस कॉलेज में सारे के सारे टीचर्स जितने थे सब प्रगतिशील मोर्चा वाले थे। तो वहां इस्कस, स्टूडेंट फेडरेशन, यूथ फेडरेशन, इस्कस, ये सारे ग्रुप्स हम लोग चलाते थे, टीचर्स के साथ बैठते थे। एक यूनिवर्सल बुक डिपो थी हिमांशु राय के पिताजी की दुकान, वो दुकान अड्डा था परसाई जी का भी, और सारे के सारे प्रगतिशील लोग, जितने टीचर्स, जितने लेखक, सारे का जमावड़ा होता था। और उस दुकान के सामने मैं एक दुकान में काम करता था। परसाई जी रोज शाम को आते थे और परसाई जी मेरे घर के सामने निकलते थे, एकदम छकाछक लंबा ऊंचा गोरा आदमी और जैकेट कुर्ता, मैं बड़ा प्रभावित होता था। मैंने बोला यार ये आदमी से दोस्ती करना है। इतफाक से मैं दुकान से शाम को 4 बजे वो आ जाते थे खुलिया में से, आते ही से वहां पे एक भिखारी खड़ा होता था, उसको पैसे देते थे, फिर एक चाय बुलाते थे। मैं रोज ऑब्जर्व करता था साथ, फिर कुछ पढ़ते थे। राजसाहब के दुकान में एक काम करते थे रतन, तो रतन से बातचीत करके तो शाम राय साहब 6 बजे आते थे। 6 बजे आए, स्कूटर किया, स्कूटर को अपना उन्होंने कवर चढ़ाया, अंदर बैठे एक सिगरेट जलाई, फिर परसाई। मैं ये रोज चीजें देखते रहते थे। एक दिन मैंने राय साहब से, मेरी अच्छी दोस्ती हिमांशु के पिताजी को, मैं राय साहब भी हिमांशु से तो दोस्ती फेडरेशन में काम करते थे, तो राय साहब से मैंने राय साहब मेरे को परसाई जी से दोस्ती करा दी। वो बड़े आदमी की दोस्ती क्या बोल, नहीं मैं तो दोस्ती करी, मेरे को बहुत अच्छी लगती। तो मैं परसाई जी के पास गया, परसाई जी ने पूछा क्या नाम है, मैंने वसंत काशीकर, मराठी जी परसाई जी, शाखा जाते हो? नहीं परसाई, कैसे मराठी यार तुम शाखा नहीं जाते? नहीं गया, मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, मेरे भाई वामपंथी है, वो ट्रेड यूनियन में था, मेरे घर सारी वही आती रही। तो फिर बोले ठीक है। तो उन्होंने किताब दी, बोले किताब पढ़ना सीख, उन्होंने किताब दी, बोले क्या क्या पढ़ते हो बताया, सारी का पढ़ता हूँ, ब्लिट्स आता है करंजिया का वो पढ़ता हूँ, उस जमाने में मैं सारी चीजें पढ़ता था, और इलस्ट्रेटेड वीकली आती है। बोले ठीक है, अब किताबें, किताबों का फ्लैप नहीं पढ़ना, किताब पढ़ना, फिर मैं तुमसे बात करूं। तो बोले उन्होंने मुझे बाएं चलना सिखाया किस तरह से, उन्होंने किताबें दी, फिर उन्होंने दास कैपिटल पढ़ने दी, उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई, काल मार्क्स पढ़ाया, समझाया। फिर सारे लोगों को धीरे धीरे, स्टूडेंट फेडरेशन के सारे लड़के, हम लोग नगर छात्र संघ बनाया। उस समय शरद यादव प्रेसिडेंट थे यूनिवर्सिटी के, श्याम बिलोहा के ग्रुप में हम नगर छात्र खूब लड़ाई होती थी, खूब ये करते थे। तो एक बार शरद यादव आए, वो बोले परसाई जबलपुर बंद कराना है, कैसे करें? बोले देखो जबलपुर बंद कराना, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं हो। वो स्टूडेंट्स को गाइड भी करते। तो बोले क्या कर, बोले कुछ नहीं, काम करना, 10 लड़के फुहारे पे खड़े कर देना, 10 लड़के शाम डगेज पे खड़े कर देना, इधर से एक दौड़ेगा, बंद करो बंद करो बंद करो, गोली चल, इधर से एक दौड़ाना, बंद करो बंद करो, सारा जबलपुर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से परसाई जी मजे लेते थे। फिर परसाई जी की बहुत सारी रचनाओं का मैं चश्मदीद हूँ, मुझे नहीं मानते वो लिख रहे, हम उनके घर जाते रहे, उनके साथ फिर बहुत दोस्ती हो गई। एक लड़की 5 दीवाने के जमाने में, मुझे नहीं मानते वो लिख रहे हैं, ऐसे ही आया, मैं जिस दुकान में बैठता था उसके ऊपर वो लड़की रहती थी, और सामने वो सारे थे, हलवाई था, किताब की दुकान वाला था, और इसमें एक एक भला मानुस जो था वो राय साहब थे। और इस तरह से रोज पूछते रहे। तो मैं रतन के पास आता रहा क्योंकि किताब पढ़ना, शाम को आएंगे परसाई जी पूछेंगे, और मैं देखता रहता था वो लड़की की गतिविधि, और परसाई जी आते रहे, फिर पूछते रहे और काशीकर आज क्या हुआ बताया। और वो जो दुकान का मालिक था पूरन लाल जायसवाल, जिनको मेरे मित्र भी थे हमारे कॉलेज में अकाउंटेंट, वो हर साल अपना धंधा बदल गया, वो अपनी तनख्वाह भी धंधे में लगा दी, मेरी फीस जमा करते थे, मेरी किताबें देते थे सब, वो मतलब वो पागल कुत्तों के मसीहा थे। पर तो वो पूछते थे परसाई जी क्या हुआ, तो उनको बताते आज वो आके, मैं नाम किसी पात्र का नहीं लूं क्योंकि मैं सबसे परिचित,
परसाई जी की सारी रचनाओं के पात्रों के परिचित हूँ। केवल मैं माता दीन चांद का मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो माता दीन चांद पर जब लिखी तो वो हिमांशु राय के पिताजी शेष नारायण राय उनकी सत्य घटना। जब शेष नारायण जेल में गए तो परसाई जी नहीं, सारे लोगों ने मिलके इलाहाबाद से वकील आया और उनको छुड़वाया, क्योंकि वो नहीं थे बिल्कुल वो। उसके बाद उन्होंने लिखी और वो सारी चीज जो रोज कोर्ट में घटती थी, कोर्ट की जितनी भी आपको रचनाएं मिलेंगे वो थी। परसाई जी बड़े मजे में, हम लोग रिक्शे में बैठ के परसाई, तो एक दिन क्या हुआ, विवेचना जब 1961 में बनाई गई, वो विवेचना बनाई थी स्थानीय मुद्दों के विवेचन के लिए, सांस्कृतिक गोष्ठियों के लिए और चीजें, क्योंकि उषा भार्गव कांड के समय में ये हुआ कि मुसलमानों ने हिंदुओं का बहुत कत्लेआम किया। तो सारे लोगों ने लेखक संघ की बात की कि यार सही स्थितियां देश के सामने लाना एक जिम्मेदारी, उसके लिए विवेचना बनाई परसाई जी ने। प्रोफेसर दामनकर, परसाई जी, ज्ञान रंजन जी, ऐसे सारे लोगों ने मिलके, तो 1975 में जब बात हुई थी, परसाई जी, हम, हिमांशु, सारे लोग बैठे थे, बोले तुम लोग नाटक क्यों नहीं करते, विवेचना के थ्रू नाटक करो। नाटक एक सशक्त माध्यम है चीजों को बताने का एकदम से, क्योंकि रचना कोई पढ़ नहीं पाता, चीजें सुन नहीं पाता, भाषण सुन नहीं पाते, भाषण भी नुक्कड़ों पे होते थे उस जमाने में, सिंपोजियम हम लोग के लगते थे, सारे लोग हम लोग को पढ़ाते थे उस समय सिंपोजियम, इतनी सारी जिम्मेदारी उस पीढ़ी ने हम लोग को शिक्षित करने के लिए ली। वही सब कुछ जो आज हम लोग को मिला हुआ है वो उस पीढ़ी ने, कई बार लगता है कि हम अपनी पीढ़ी में वो निर्वाह नहीं कर पाए, या हमारी अगली पीढ़ी उतनी सिंसियर नहीं है जितने हम लोग थे, चीजों को रिसीव करने के लिए, चीजों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चीजों को संप्रेषित करने के लिए। क्योंकि एक नाटक तो हम लोग ने 1975 में नाटक की, फिर विवेचना हर साल दो नाटक करती थी। अलक नंदन वही थे, अलक जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, अलक कॉलेज के जमाने से, तो अलख ने फिर वहां पर जिम्मा लिया कि नाटक करेंगे। फिर अलख जब आ गए भारत भवन में, यहाँ पे रंगमंडल भारत भवन में, फिर हम सारे लोगों ने, उस जमाने में कोई टीचर, कोई वर्कशॉप, कोई कुछ नहीं, कोई एनएसडी का नाम नहीं जानते थे हम लोग। हम लोग सब आपस में एक अड्डेबाजी करते थे, मालवी चौक एक अड्डा था, वो अड्डेबाजी सबको चाहती थी, वहां हम आदमी को पढ़ते थे, जो कुछ पढ़ा उसकी बातचीत करते थे, वो सारी बदमाशियां करते थे, उन बदमाशियों के बीच में छात्र संघ राजनीति भी करते थे, और वहां से एक नाटक की स्क्रिप्ट की जन्म होती थी। हम नाटक की रिहर्सल के दौरान एक दूसरे को सिखाते थे मदद, कभी कोई बुरा नहीं मानता। मैं यदि मेन एक्टर हूं तो और प्रतिद्वंदिता थी, आज उसने अच्छा किया कल मैं अच्छा करूंगा। मैं तो रिहर्सल प्लेस में जाता था, क्योंकि मैं स्टेट बैंक में नौकरी करने लगा था, तो नौकरी के साथ में मेरे को ये सारा कुछ करना था, तो अलग के जब भी आता तो रिहर्सल प्लेस में जाके झाड़ू लगाना, पानी भर के रखना और पूरी चीज तैयार कर, और कोशिश करना प्रॉक्सी करे। मैं सोचता रहा आज कोई एब्सेंट हो जाए तो मुझे प्रॉक्सी करने, प्रॉक्सी के लिए हम याद करते, इसलिए प्रॉक्सी। तो एक दौर था, वहां से हम लोग सीखे, वहां से पढ़े। परसाई जी के साथ जितनी घटनाएं, मुक्तिबोध जी आते थे परसाई जी के यहाँ, तो परसाई जी खबर भिजवाते थे, हम लोग पहुंच जाते थे। मुक्तिबोध जी ऐसी बातें करते थे, वो बीड़ी पीते रहते थे, बाहर बैठते थे परसाई जी के घर में। अभी मैं जो रचनाएं लिख रहा हूँ, मैं कहत परसाई शुरू किया हूँ, तो पहली रचना अभी कल मैंने मॉडल हाईस्कूल में रिकॉर्ड की, उसके बाद उनके घर में करूंगा। ऐसी 50 रचनाएं छांटी जो अलग अलग स्थानों पर, क्योंकि मैं परसाई जी के साथ पूरा घूमा हूँ जबलपुर, चाहे सड़े आलू का विद्रोह होगा तो मैं सब्जी मंडी में करूंगा, मैं यदि किसी को जाकिर करेगा तो मैं चाय की दुकान पर करूंगा, मैं वहां जाके आम आदमी से बातचीत करके रचनाएं उनको पुनर्जीवित करूंगा कि क्या लिखा है जो आज है। तो इस तरह से हमारी यात्रा शुरू हुई। फिर स्टेट बैंक में हम आए, स्टेट बैंक में मैं शुरू के करीब 5-6-8 साल मैंने कुछ काम नहीं किया, केवल नौकरी करता रहा, मुझे की नौकरी करना मेरी जिम्मेदारी थी। सोहागपुर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई, पहले मैं भोपाल में आया, भोपाल के एजीएमपी में नौकरी करता रहा, एजीएमपी में करीब मैं 7-8 महीने नौकरी, यहाँ भोपाल में सारे लोगों से समय पर, राजेश जोशी से हमारा निकटतम परिचय वहीं हुआ, क्योंकि वो जब बुधवारा में रहते थे तो हम उनके घर जाते थे, जब वो हिरण छवि कविता लिखी है तो वहीं की बुधवारा की सारी चीजें, वहां से हम
शुरुआत की, फिर जबलपुर आ गए, जबलपुर से हम अंबिकापुर चले गए। अंबिकापुर में इकट्ठा अंबिकापुर में काम किया, वहां 2-3 नाटक किए। मैं अंबिकापुर में था तो एक डॉक्टर एच एम शारदा थे, बहुत अच्छे लेखक थे, वो हमारे रीजनल मैनेजर थे, वो अंबिकापुर आए, बोले तुम यहाँ कहाँ पढ़े यार नाटक वाले आदमी, अंबिकापुर में। मैं अफसर बन गया, मेरी भूल हो गई, मुझे अंबिकापुर आ गए, मैं इकट्ठा में मैं करने लगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं, नाटक वाले हूँ, यही करने लगे। बच्चों को ले आया था, बच्चों को एडमिशन कराए, बोले नहीं रायपुर चलो, रायपुर पहुंचे तो मुझे वहीं पर रिलीविंग ऑर्डर लेके साथ में रायपुर ले गए। रायपुर में भी उन्होंने आए, पूरे परिवार को ले गए, उन्होंने मकान मेरे को, जिस मकान को मैंने देख के आया था, सामान लेके गया, उस सामान ट्रक लेके गया तो उस दरवाजे लगे ही नहीं थे, कैसे रहूंगा मैं ट्रक में। शारदा साहब के घर आ गया, शारदा साहब मैं कहाँ रहूंगा, बोले यार तुम ट्रक लेके आ गए। हाँ, बोले अच्छे उनके बाजू में एक मकान था, उसमें ताला लगा था, बैंक गई, उसमें इसलिए लोग नहीं आए थे, वहां डाका डला था और लोग बोलते थे यहाँ भूत रहता है, कोई अफसर लेता नहीं था। तो शारदा साहब बोले ये बड़ा आगे ही रहेगा, उन्होंने उसका ताला टुड़वाया, बोले यहाँ सामान रख दो और यही रहने, उनके पड़ोस में रहने लगे। और फिर उनके साथ बहुत अच्छे साहित्यकार थे, एक विकल्प नाटक लिखा था, उसको हम लोगों ने शुरू किया। और विकल्प नाटक जब किया, उसी समय रायपुर में ये भोपाल का ग्रुप आया था, अशोक बुलानी के निर्देशन में, अरे शरीफ लोग लेके, उदय शाहणे, ये सारे लोग। तो अरे शरीफ लोग जब देखा मेडिकल कॉलेज में शो हुआ, दूसरे दिन मैं शारदा साहब से, सर अपन क्यों ना हो स्टेट बैंक नाट्य मंच बनाए और ये ग्रुप बनाया। बोले बनाओ, स्टेट बैंक नाट्य मंच की इस तरह से स्थापना हुई। फिर शारदा साहब आ गए भोपाल पर्सनल मैनेजर हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि नाट समारोह करेंगे, 5 नाट की टीम बनी, भोपाल की 2, रायपुर, ग्वालियर, जबलपुर, और उन्होंने उसको राजभाषा से जोड़ दिया। बोले राजभाषा मास में, बोले काशीकर समझते नहीं, राजभाषा के नाम से सब करेंगे, कोई बंद नहीं करेगा, किसी प्रबंधन की हिम्मत नहीं होगी ये बंद करा, तो वो काम चलता है, काम चल जाएगा। वाकई वो 25 साल तक हम लोग ने नाट समारोह किए भोपाल में। वो नाट समारोह इतना प्रचलित था, 3 दिन का होता तो सारे भोपाल के लोग देखने आते, और उसमें कोई भी हम लोग, मैं उस समय भाई साहब ये 87-88 की बात है शायद, आप लोग सब रविंद्र भवन में नाट्य समारोह होता था और पहला पुरस्कार के लेकर क्या क्रेज बनता था, मतलब पूरा ठसाठस भरा हुआ हाल और एक से एक, ये मुझे मुझे आज भी मेरी स्मृतियों में है, देशबंधु शुक्ला, अशोक गुलानी जी, और आपसे मेरा उससे परिचय नहीं था, लेकिन पूरे मध्यप्रदेश से जो, और इधर से वो जैन आता था ग्वालियर से, हाँ प्रवीण महुवाले वगैरह ये लोग, और पहले पुरस्कार को लेकर क्या जलवा होता था, जिसको पहला पुरस्कार, वो सब निर्णायक आगे बैठे रहते थे। तो नाट समारोह में क्या हुआ सर कि हम लोग ने ये तय किया कि कोई डिपार्टमेंटल नाट समारोह ना हो, तो मैं उस समय रायपुर से आया था पोस्टर नाटक लेके, प्रदीप पोद्दार के निर्देशन में मैं उसमें कल्लू की भूमिका की थी। पोस्टर नाटक के बाद एकदम से क्रांति आ गई सारे लोगों में, अरे बाप रे ऐसा नाटक, बहुत अच्छा नाटक है। तो उसके बाद में सारे लोगों ने जो है बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए। मैं फिर जबलपुर आ गया, जबलपुर में हमने दुलारी बाई शुरू लेके आए, अरुण पांडे साथ में थे, हमने चलाया अपन साथ में करेंगे, दुलारी बाई लेके आए। दुलारी बाई में मैं 40 लोगों की टीम लेके आया, स्टेट बैंक तो घबरा गया, 40 लोग एक साथ डेपुटेशन पे आएंगे, इतना खर्चा होगा। फिर दूसरे बार में आका आषाढ़ का एक दिन लेके आया, तो उसका इतना बड़ा सेट तक हम बस करके लेके आए। तो शारदा साहब बुलाया, पंडित ऐसा है, मेरे को पंडित बोल दे रहे, इतनी बड़ी टीम मतलब हम रेस्ट्रिक्शन कर दे रहे 14-15 लोगों, कर दो हम 15 लोगों के लेके आए, हमें पता ही नहीं था। फिर क्या हुआ कि बुलानी लोगों ने एक किया कि ऐसा ना हो नाटक बंद हो जाए, तो उन्होंने ये किया कि बाहर से जो लोग आते, पहले हम लोग फर्स्ट क्लास में आते थे, अफसर लोग अपने एंटाइटलमेंट से रुकते थे होटलों में, खर्चा होता, हम लोगों ने भी सोचा कि बैंक ऐसा ना हो ये बंद कर दे खर्चे के नाम। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग धर्मशाला में रुकेंगे, सेकंड क्लास से आएंगे और कम से कम में नाटक। और वो चूंकि हम लोग विवेचना में मैं नाटक करता था, तो वो एक शौकिया रंगकर्म का एक ट्रेनिंग जो अलग जी ने दी हुई थी वो हम लोग को थी, तो वही अपने सारे बच्चों को, स्टेट बैंक में मेरे साथ थे, मैं इतना स्ट्रिक्ट होकर करता रहा, लेकिन कभी उन्होंने डिपार्टमेंटल नहीं समझा। मैं जब आया रिहर्सल प्लेस में, आप देखो भाई ना कोई यहाँ अफसर है, ना कोई बाबू है, ना कोई चपरासी है, ना कोई कुछ भी है,
हम सब साथी रंगकर्मी इस ढंग से नाटक बंद करें, ये मैंने बंद किया कमरा, अब अपन रंगकर्मी, कोई ओवर टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऑफिशियल एक्ट, ठीक? बोले ठीक। दूसरा, कोई पुरस्कार की ललक नहीं, हमारा नाटक याद रखेंगे ना लोग, वो हमारा पुरस्कार। किसको मालूम पिछले साल किसको पुरस्कार मिला, उसके पहले किसको पुरस्कार मिला? पुरस्कार के लिए गहमा गहमी झगड़े नहीं, जबलपुर का गर्म खून तो मारक मारने कूटने के लिए तैयार होते थे, और वो सारी चीजें लोग जान रहे थे, कैसे कैसे पुरस्कार मिलते रहे, आप जानते हो सब, क्या बोलूं, क्योंकि विनय उपाध्याय आलोक राजीव जी रीता जी सारे लोग रहते रहे, तो सारी चीजें मालूम रहती। तो इस तरह से आया, स्टेट बैंक का बहुत बड़ा योगदान है नाट्य जगत में। आज भी हम जितने लोग हैं, चाहे बुलानी हो, चाहे उदय हो, चाहे प्रवीण हो, चाहे मैं हूँ, चाहे रायपुर के जितने लोग हैं, सब स्टेट बैंक से रिटायर्ड, और स्टेट में असीम दुबे तो अभी भी कर रहा है, ये बहुत योगदान रहा। उस समय बाबा तारा देखने आते थे, बाबा से हमारी मुलाकात हुई 82 में, एक यहाँ पे भारत भवन में एक नुक्कड़ रंग मेला हुआ था, वो एक बहुत बड़ी देर सरकार ने, अशोक वाजपेयी थे तो उन्होंने नुक्कड़ रंग मेला किया, अखिल भारतीय नुक्कड़ रंग। मैं उस समय अंबिकापुर में पोस्टेड था, अलग जी का फोन आया, अलग बोले तुम्हें आना है, यार मैं कैसे आऊँ, मेरे पास चाबी है बैंक। अरे बोले कुछ नहीं होता यार, अपन भी जवान थे, मैं भाड़ में गया, बीवी को आके बोला मैं जा रहा हूँ 15 दिन के लिए, और ब्रांच मैनेजर के पास गया कि मैं जा रहा हूँ, एप्लीकेशन छोड़ा है, चिंता ही नहीं, नौकरी जाए जाए। और मैं बैठा ट्रेन में पूरे ग्रुप को लेके अंबिकापुर, बोले क्या लेके आ रहे हैं, हम रास्ते में, क्योंकि 28 घंटे लगने थे जर्नी, 28 घंटे में नाटक, तो विभु कुमार का एक नाटक था ताले में बंद प्रजा, उसकी रिहर्सल ट्रेन में करते हुए आए हम लोग, और फिर जबल भोपाल आए, भोपाल में कला परिषद की वो उसमें लॉबी में रुकवाया था हम लोग, और वहां सारे लोगों से मुलाकात, जितने बड़े बड़े लोग, उस समय सफदर हाशमी से मुलाकात हुई और त्रिपुरारी शर्मा से, और जितने बड़े बड़े डायरेक्टर, और कारंत जी के बहुत निकट आना उस समय हुआ। फिर कारंत जी से मैं उनको मैंने गुरु मान लिया, उनसे मैं बातचीत करता रहता था, वो मुझे सिखाते रहते, वो मुझे बताते रहते। अलग जी ने परिचय कराया कि ये करता है बैंक में, कर रहा है लेकिन बैंक से हटके काम, तो उन्होंने मेरे नाटक देखने आते थे, वो नाटक पीछे गेट पर रविंद्र भवन के खड़े होकर ऐसे हाथ करके देखते थे, और फिर कई बार रिहर्सल देखने चुपचाप अंधेरे में बैठ जाते, जैसे मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, अचानक आके एक गमला रख के आ गया, हो गया बैलेंस, स्टेज बैलेंस करना सीखो, तुमने एक तरफ लगा दिए तो उन्होंने एक गमला लाके वहां रख दिया, ठीक है ऐसे करो, ये तराजू है स्टेज में, बैलेंस करो। कई बार मुझे दिक्कत दे, फिर मैं उनके घर जाता रहा, मेरे को बताते थे, अलग से बात करते थे। तो एक बार तो उन्होंने क्या हुआ, नाटक के दौरान एक चिट भेज दी काशी करके, नाटक के बाद आना मिलने, क्योंकि उसी दिन पुरस्कार मिला था, तो सारे टीम के लोग साथ में थे, और मतलब हमारा ये था जिस दिन से नाटक शुरू होगी रिहर्सल, शो के दिन तक सारे लोग उपवास करेंगे, किसी तरह का द्रव्य नहीं, ये स्ट्रिक्ट सारे लोग, वो सारे लोग मानते, और फिर जिस दिन होता रहा उस दिन खोल देते रहे, अनुशासनहीन हो जाओ। तो मैं चला गया, मुझे याद को याद आया, अरे कारण जी ने बुलाया, मेरे को याद, में स्कूटर ली होटल वाले की, आया बाबा बैठे थे, दरवाजा खुला था, किताब पढ़ रहे और बाकी सारा पदार्थ रहता था, बोले मुझे मालूम था तुम आओगे, होता है बाबा महान, तो उनके चरणों को स्पर्श नमन करता हूँ, सही में उन्होंने जो कुछ आज मुझ में है। फिर रायपुर में हबीब तनवीर का मैंने वर्कशॉप होता, मुझे वर्कशॉप मालूम नहीं था क्या होता, हबीब तनवीर का वर्कशॉप, मैंने बैंक से छुट्टी ले, मैं बैंक की छुट्टियां अपना पीएफ पैसा बच्चों के हिस्से का समय और पैसे नाटकों में लगा दी, पागलपन की कर रहा हूँ, बच्चों ने बहुत साथ दिया, वाइफ ने बच्चों ने, उसी ने मेरे से बोला कि नाटक करो, अंबिकापुर में विजय अग्रवाल थे, श्याम सुंदर थे, मेरे को लोग भी अच्छे मिले, इस तरह से अच्छी लंबी यात्रा है नाटक। अब मैं कुछ बातें करूंगा क्योंकि समय मेरे पास भी कम है, कितना समय बचा है अभी? अभी भाई साहब करीब 15 मिनट हो बचा है, 15 मिनट में फटाफट कुछ चीजें बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण है आने वाली पीढ़ी सीखने लायक। मुकेश तिवारी ज्वाइन हुए बम्बई से, जी जी अरे मुकेश नमस्ते जी, कोई प्रश्न हो तो बता, नहीं तो मैं कुछ चीजें बताता हूँ। हम सुन रहे हैं आपसे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो अब क्या हुआ,
हम लोग ने शुरू किया कि अब कैसे करें, म्यूजिक साथ में काम करना, क्राफ्ट का काम, म्यूजिक का काम, सब रिहर्सल के बाद मेरे घर में बैठ, मेरी पत्नी खाना बनाती थी 15-20 लोगों का, और वही हारमोनियम लेके मुरलीधर नागराज, रवि जोशी, इन लोग बैठ गए, हम लिख रहे गाने, वो धुन बनती जा रही, वहीं पे जरगर जी क्राफ्ट बना जा रहे, कश्यप झा क्राफ्ट बनाते जा रहा, सारी चीजें एक साथ, एक उत्सव था। और यही हम लोग करते थे कि रिहर्सल के टाइम में काम करते जा रहे, क्राफ्ट करते जा रहे, रिहर्सल होती जा रही। और मैं सबसे बोलते रहे, रटेगा कोई नहीं, स्क्रिप्ट नहीं रटना, स्क्रिप्ट पढ़िए 15 बार 16 बार, अपना किरदार स्क्रिप्ट में ढूंढिए, स्क्रिप्ट रटोगे कोई नहीं, कोई एक्टर को सुनना सीखो, तब आपकी रिएक्शन ऑटोमेटिक आएंगे। ये चीजें जो मैंने सीखी थी, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता, यही विवेचना में मैं खुद वर्कशॉप लेता रहा, ये सिखाया, क्योंकि विवेचना में भी सुनील सिन्हा का वर्कशॉप हुआ था, सुमिता मिश्रा भी आई थी, गोविंद यादव भी आए थे, सारे लोगों ने लिया। इस तरह से हमने सीखा काम करना, सेट के लिए कश्यप झा पाटकर, उसके बाद में आयुष राठौर, इन लोग सारे लोग सेट कर, बहुत बढ़िया। मैं बता देता मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, और यही फिर राष्ट्रीय नाट समारोह के 25 वर्षों का मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा किस तरह से, इतना सारा मेरे पास अनुभव है सिखाने के लिए। डाइट के लिए हमारे पास कोई आदमी नहीं था, हमारे पास बाबा सोलंकी थे, उसके जाने के बाद फिर बंटी था, ब्रजेश अनायक थे, उसके बाद इतने सारे लोग, पवार साहब थे, कमल जैन, नजीर भी करते थे, हमारे मीता ने किया, अवतार साहिनी जी थे, उसके बाद हमारे सारे लोग मेरे फोन पे आ जाते, प्रवीण नामदेव, सारे लोग लाइट करना आ जाएंगे, बैठ जाते रहे बाजू में, लाइट डिजाइनिंग कैसे, क्योंकि कहाँ पे डिजाइनिंग, कहाँ टेक्निकल रिहर्सल कहाँ मिलती है, कुछ नहीं, जिस दिन हो उसी दिन दोपहर की रिहर्सल देखी, ये की। लेकिन सारे के सारे बच्चों को मैं बोलता रहा कि जब लाइट सेट हो तब सारे लोग अपनी रिहर्सल करके सब बैठ जाए, क्योंकि लाइट एक हाँ प्रमुख पार्ट है टेक्निकल रिहर्सल, तो अपना अपना स्पेस से दोस्ती करो, और अपने अपने स्पेस पे देखो हमें क्या क्या लाइट कहाँ कहाँ से मिल रही, लाइट सोर्सेस देखो, और वो देखोगे तो आपको नाटक में प्रॉब्लम नहीं। ये आज भी मैं कहूँ, ये सब कुछ सीखना चाहिए। नहीं होता क्या है कि लोग रिहर्सल किए, सेल्फी लेने चले गए, कोई कहीं घूमने चला गया, लाइट वाला बेचारा अकेला कर रहा है, उनकी सीढ़ी पे चढ़ रहा, हमने नहीं, तुम लोग भी सीढ़ी पे चढ़ना सीखो, तुम लोग भी लाइट सेट करो, तो एक बिलोंगिंग ने सेट सारे लोग मिलके लगाएंगे, कॉस्ट्यूम सारे मिलकर प्रेस करेंगे, नाटक के प्रति यदि बिलोंगिंगनेस आ जाएगी, स्क्रिप्ट के प्रति बिलोंगिंगनेस आ जाएगी, तो बहुत सहज नाटक, दर्शकों हाँ को लगेगा कि ये हमारा नाटक, सबको लगेगा, डायरेक्टर का नाटक नहीं है, हाँ लेखक की कृति को जिम्मेदारी से दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है। ये बहुत सारी कुछ कुछ घटनाएं भी हम लोग सुनाऊंगा, बहुत मजेदार घटनाएं, जैसे विवेचना के हमने 25 साल वर्कशॉप किया, हम लोग ने राष्ट्रीय नाट समारोह किया, शुरू में जब किया तो कुछ नहीं थे, बहुत कम दर्शक, तो दर्शकों को कल्टिवेट किया, व्यक्तिगत रूप से मिलने, हम हिमांशु बांध सारे लोग मिलके, वरुण बांध सब लोग मिलके, एक एक दर्शक के यहाँ जाते, दर्शक किया, तो आज जबलपुर में टिकट शो होता, हम लोग केवल पेपर न्यूज देते, काउंटर से टिकट खरीद, अभी एक शो में तो मैंने टिकट लगाया तो दर्शक अंदर से, सर इस बार टिकट का वो नहीं दिख रहा, काउंटर कहाँ पे है, ये आदत जबलपुर में पड़ गई। और एक बार में 700-800 दर्शक आते हैं केवल पेपर न्यूज, इतना भरोसा है, और वो कब आता है जब आप अच्छा नाटक करो, दर्शकों को भरोसा दिलाओ, खराब सवाल नाटक बिल्कुल करोगे दर्शक बिचकेंगे आपसे, हमारी जिम्मेदारी, इसलिए हम बाहर के, हम लोग राष्ट्रीय नाट समारोह शुरू इसलिए कि बाहर के लोगों के अच्छे नाटक दिखाएं, अच्छे नाटक करें, छोटे शहरों में हम नाटक जरूर ले, जैसे हरदा में, अब हरदा का मैं दो तीन बहुत सारे अनुभव है, जनगुरिया बुलाते हैं हम लोग को, हरदा में एक बार क्या हुआ, मायाजाल, मायाजाल नाटक लेके गए, पहला नाटक था, बहुत अच्छा नाटक था, तो टीम गई, टीम को रिहर्सल रिजर्वेशन नहीं मिले, तो हम लोग जो सामान जिसमें जाता है ना, उल्पर लगेज वैन में बैठ के गए, मिर्ची की धार, वो बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, ग्रुप में ऐसा लग रहा है टूट ना जाए, रिहर्सल नहीं होगी, ये नहीं होगी, पर वो बहुत अच्छा शो हुआ। वो शो के बाद में क्या हुआ कि हम लोग पैकअप किए, हमारी 11 बजे की ट्रेन थी, टेनगुरी आ गए, सर 200-250 दर्शक बाहर खड़े हैं, वो इतने कर सकते, बोले 2 मिनट में, मैंने मिनट टीम ली, मैंने देखो हम दर्शकों के लिए मरते हैं, दर्शक खड़े हैं, चलो फिर से एक शो करें, सारे लोगों ने तैयार होकर, शो हुआ पहले शो से दूसरा शो बहुत अच्छा हुआ, गाड़ी चूक गई हम लोग को, चूंकि ट्रेन थी तो उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए, दो
गाड़ियां कराई, उसका एक्स्ट्रा बजट लगा। ये छोटे शहर के लोग करते, एक और बड़े को मानमोद बाबू का शो था, मुझे स्ट्रेचर लगती, वो बोले पूरे हरदा में एक ही स्ट्रेचर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके आओ। वो आखिरी में स्ट्रेचर में हम लेके आते रहे सीताराम सोनी। वो क्या हुआ, मैं म्यूजिक पे बैठा था, स्ट्रेचर एक आया तो तेनगुरिया ने मेरे पास भेज दी। मैंने क्या हो गया, सर एक सीरियस पेशेंट, मुझे स्ट्रेचर चाहिए। मैंने बोले देखो गुरु, मेरा पेशेंट जब तक नहीं मर जाएगा वो स्ट्रेचर पर नहीं आया, मैं नहीं दूंगा। वो खड़ा रहा, मालूम हमारा सीन हुआ, स्ट्रेचर वाला तुरंत स्ट्रेचर दिया चले। ऐसी बहुत सारी घटनाएं छोटी छोटी जगह घटती हैं। एक उस पे मैं तो चाहता हूँ सारे रंगकर्मी अपने अपने जीवन के अनुभव लिखे और एक हर एक अपने अपने ग्रुप का एक ग्रंथ बनाए, और ये आने वाली बिल्कुल पीढ़ी को कि हम लोग कैसे कैसे साथ देते हैं, कैसे छोटे शहर के लोग नाटक करते हैं, कैसे साथ देते हैं हम लोग का, कैसे ग्रुप को इंटैक्ट रखना चाहिए, कैसे लोग। अब तो क्या होगा ना कि आने वाला समय, अब एक एक दो दो बच्चे हैं हर एक, वो भी क्या करे, माँ बाप बेचारे, उसी को डॉक्टर बनाओ, उसी को इंजीनियर बनाओ, उसी को नाटक वाला बनाओ, उसी को फिल्म एक्टर बनाओ, एक ही लड़के में सब देख रहे हैं वो, तो वो क्या करे बेचारा, वो भी तो परेशान है। तो हम लोग ये चीज जानते हैं, पहले के चेहरे नहीं थे कि एक लड़का नाटक में जा रहा है उनको पता ही नहीं, घर वालों किसकी साइकिल हाँ ले गया तो पता ही नहीं, कितने बजे आया नहीं पता। दौर में तो अंतर आया है, लेकिन फिर भी हाँ एक अनुशासन कमिटमेंट आना चाहिए जो इस पीढ़ी में गायब हो गया, वो थोड़ा सा खलता है हम लोग काम करने। भाई साहब, मैं ये जानना चाहता, एक तो प्रेम गुप्ता भी हैं, देख रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले पाया, वो दाढ़ी वाले बाबा मेरे दोस्त। नमस्कार, प्रेम गुप्ता तो अद्भुत आदमी है सर, बाल रंग में हाँ कर्म जैसा केजी भाई ने और प्रेम गुप्ता ने बना के रखा, जो आजकल हमारे संजय गर्ग भी करता है, इन्होंने बहुत काम किया सर। ये भी पागल समय टाइप के, क्योंकि ये भी अलग के हाँ चेले हैं ना सारे लोग, हाँ अलग के जितने चेले हैं वो पागल रहे और खूब जम के काम करें। हम तो हाँ बोलते रहे अलग के सारे लोग खूब काम करते हैं सब, प्रेम गुप्ता, उनकी पत्नी, उनकी शादी कैसे हुई, बहुत सारी घटनाएं। प्रेम भाई बहुत सहज आदमी, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा बहुत काम बहुत करते हैं। केजी भाई भी बहुत अच्छा काम करते हैं, सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भोपाल में। हम तो सबको सैल्यूट करते हैं, हम तो सब इन सब से सीखे हैं, हम काम करना, ये प्रतिबद्धता। आपके आप आपका बड़प्पन है। जी मेरे मन में एक दो बातें, एक तो छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूँ, एक क्लेरिफाई जैसा, कि देवरी के तो राम रतन सेन भी हैं हमारे जो रंगकर्मी राम, वो आपके साथ पढ़े रहे क्या? उनकी उम्र होगी लगभग आपके बराबर, तो ना, तो मेरे से हम 1 साल जूनियर था शायद, मैं हाँ, पर जानता वो हूँ, देवरी की पैदाइश जानता हूँ उनको। ऐसे शिव है। साहब के बारे में मैंने बहुत सारा काम किया, मैंने चूंकि सीनियर फेलोशिप मुझे मिली है बुंदेली लोक कथाओं पे, मैंने आकाशवाणी में 26 लोक कथाएं, उसका एक लंबा अनुभव है। मैं कभी आकाशवाणी के मंडलोई के रहते हुए मैं नहीं गया था, लेकिन मंडलोई ने दी हाँ तुम करो, मैं किया उसको अपने ढंग से, किया टाइम बाउंड किया, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, सुरेश जरगर और सारिका नायक, इन सारे लोगों ने पागल टाइप काम करते, रात रात भर आकाशवाणी वाले खुद ही परेशान थे, ऐसे कैसे कर रहे हैं आप, उन्होंने मैं तो ऐसे करूंगा। तो ये सारे अनुभव है सर जीवन के, बहुत काम आए लोगों ने साथ दिया। भाई, निर्देशक और अभिनय, दो निर्देशन और अभिनय दोनों में कैसे आंतरिक विभाजन करते थे? कभी जिन नाटकों के आप निर्देशक भी हुए, फिर किरदार भी किए। जब मैं खुद अपना निर्देशन करता हूँ, मैं मजबूरी में करता हूँ, जब कोई नहीं मिलता तो मैं अभिनय करता हूँ। जैसे मौसा जी की एक रचना प्रक्रिया, मौसा जी में तो चूंकि मैं ही करूंगा, मैंने की थी जरगर जी से कराया था पहला शो, वो हाँ बेचारे नहीं रहे, फिर जरगर जी हाँ के बाद मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन जब कुछ नहीं होता कोई तो मुझे करना पड़ती है, अन्यथा कई बार लगता है बेईमानी तो होती है। जब हम निर्देशक रहते हैं तो हमको एक स्टेज पे जाके कहीं स्वार्थी होते हैं, क्योंकि हमको भी परफॉर्म करना है दर्शकों के सामने, तो दर्शक जब मुझे एज अभिनेता देखता है तो वो भूल जाएगा कि ये निर्देशक भी है, क्योंकि वो अभिनेता के जैसा देख रहा है ना। और फिर मुझे उस समय सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि जब मैं अभिनय करता हूँ और मेरे को एक्टर कुछ गड़बड़ करते तो मेरा निर्देशक भी हावी हो जाता है, तो मेरे को वो बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत होती, कि मैं अपने आप फिर करता हूँ, नहीं, मैं अभिनेता हूँ इस समय, मेरा वो को एक्टर जो भी करे मैं एज अभिनेता को एक्टर उसको साथ दूंगा, तो वो प्रॉब्लम आते हैं। फिर हमारे अभिनेता बड़े खुश रहते हैं कि दादा है स्टेज पर, कोई चिंता नहीं, कोई गड़बड़ी हो जाएगी दादा संभाल लेंगे। ये एक फायदा हमारे को एक्टर्स को मिलता है कि दादा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हो। शुरू में डर लगता है कि
कि दादा के साथ कैसे करेंगे, लेकिन उसके बाद बोले दादा हम लोग बड़े निश्चिंत होते, कोई भी दिक्कत हो दादा संभाल। वो कई बार हुआ भी, एक हमारा नाटक था, नाटक नहीं, उसमें क्या हुआ कि मैं को एक्टर, हम दो लोग मेन एक्टर थे, हमारे कई अति उत्साही लोग रहते ना जो विंग्स कमांडर रहते हैं हमारे, हम उनको विंग कमांडर बोलते हैं, वो झांकते भी रहते हैं, कई बार डांटते हूँ मत झांको, दर्शकों को भी देखते मौसी आई कि नहीं, फूफा आए कि नहीं, चाचा आए कि नहीं, और कौन क्या कर रहा, कहाँ तक पहुंचा, नाटक भी देखते तल्लीन हो जाते, भूल ही जाते कि उनको भी कुछ करना है। उन्होंने क्या करते हैं, दूसरे को समाते, तुम्हारी एंट्री आई, तुम्हारी एंट्री, तो एक की एंट्री आगे करा दी कि एंट्री नहीं थी, मैं क्या करूं यार, मैं उसको धीरे से बोला अब इसको संभालना है। तो वो जो आई बुढ़िया, तो मैंने बोला बुढ़िया तो क्यों आगे, और उसको किसी तरह हमने स्क्रिप्ट लिखी और उसको भगाया, और सेकंड इसका मैंने क्यू दिया उसको, ऐसे करके हो जाते जो मैं था तो हो गया। कई बार तो हम सरसल चलते नाटक को एडिटिंग करना पड़ती रही, ये होता रहा स्टेट बैंक नाट्य समारोह के कॉम्पिटिशन, महाब्राह्मण हमारा नाटक तो बहुत अच्छा नाटक हो रहा था, मैं म्यूजिक और लाइट पर बैठा, अब मेरे को आए मेरे बहुत अच्छे मित्र, बोले दादा नाटक एक नंबर पे जा रहा है लेकिन टाइम बढ़ जाएगा, अच्छा 5 मिनट बचा एंड सीन करवा दो। अब मैं बाहर बैठा था, मैं इंटरकॉम से बोला, संजीव सब लोग एक्ट कर रहा था महाब्राह्मण का मेन, मैंने ये संभाल लेगा, मैं इंटरकॉम से उसको बोला, हमने एक पूरी की पूरी एंट्री कटवा दी, जो बेचारा एक महीने से रिहर्सल की थी उसका पूरा पूरा का पूरा उड़वा दिया और एक नए पात्र की एंट्री दे दी। संजीव सब लोग समझ गए कि दादा ने कुछ खेल खेल, वो नाटक आगे करते 2 मिनट पहले खत्म हुआ, फर्स्ट आया। तो चलते नाटक की ऐसी रिस्क भी लेते रहते हैं, और ये सारे लोग तब होता जब हमारे एक्टर साथ देते, डायरेक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता नाटक में, जब तक एक्टर साथ दीजिएगा आप नहीं कर सकते। जी सही बात। एक वो जो आप सब ने जो आरंभ में 70-80 का समय जो बहुत एनर्जी का समय था थिएटर में भी, और एक रिहर्सल प्लेस की एक शुचिता और एक शिष्टाचार और पवित्रता, जैसे भोपाल में भी हम लोगों ने भाव साहब खिरवटकर साहब के बारे में सुना था कि बड़ा पवित्रता पूजा पूजा का स्थान मान के चलते थे, बाद में सब वो सब गड़बड़। अभी तो गायब, लेकिन अभी मैं जब कराता हूँ आज भी बाहर जूते जमा, हमने बाहर के जूते देख के कोई भी समझ जाएगा कि आपके अपने घर के संस्कार कैसे, यदि तुम जूते यहाँ फेंक रहे वहां फेंक रहे, नहीं, व्यवस्था बाहर से सीखो, पहले बाहर जूते चप्पल अच्छे से जमाओ, खुद सारे झाड़ू लगाओ, पानी रखो, सारा कुछ करो, यहाँ कोई सिगरेट नहीं पिएगा, गुटखा नहीं खाएगा, पान नहीं खाएगा, ये मंदिर है, भगवान को कोई माने नहीं माने, थिएटर में यहाँ नटराज पहले दिन से बैठ जाते हैं, जिस दिन से हम उसकी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, लेखक को जिम्मेदारी से हमें ले जाना है। रिहर्सल प्लेस में यदि डिसिप्लिन, टाइम डिसिप्लिन, मैं तो रिहर्सल प्लेस रिहर्सल के टाइम में अंदर से बंद कर दू, और बाहर जो लेट आते उससे बोलो आप खड़े रहोगे आखिरी तक, जाओगे नहीं लेकिन अंदर भी नहीं आओगे, तो लोग 5 मिनट पहले आ जाते, ये होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। यदि रिहर्सल प्लेस ठीक, तो रिहर्सल प्लेस चेंज होती रहती, मिलती तो है नहीं, हर एक जगह हर बार बदलना पड़ती, बहुत मुश्किलात में रिहर्सल करते हैं हम लोग, ये बात भी है, लेकिन फिर भी हर एक को रिहर्सल प्लेस को अच्छे से रखना चाहिए। एक हमने ये देखा है कि अब पिछले एक आध दशक में 10-15-20 साल में अब एक दूसरे का काम देखने की उदारता और बड़ा दिल नहीं रह गया, बिल्कुल नहीं रह गया सर, बहुत ज्यादा जेलसी आ गई थिएटर में, एक दूसरे की प्रतिद्वंदिता इतनी बढ़ गई है, अब तो एक दूसरे के काम नहीं देखते सर, हमारा नाटक देखने शहर के लोग नहीं आएंगे, आपका नाटक मेरे नाट्य समारोह में आते तो आपका नाटक देखने नहीं आएंगे क्योंकि मेरा नाट्य समारोह, मेरा नाटक भारत भवन में चल रहा है, लोग भारत भवन के कैफेटेरिया में बैठ के मेरे ही नाटक की बुराई कर रहे जो देखा ही नहीं, वही वही देखा ही नहीं, प्रांगण के बुद्धिजीवी ऐसा कहते हैं, हाँ प्रांगण में बैठे रहेंगे। फिर भी भोपाल के दर्शकों को सैल्यूट करता हूँ, बहुत डिसिप्लिन दर्शक सर, मैं तो जितने शोज किया लाइन लगा के आते, मेरे को तो सौभाग्य है कि मेरे सारे शोज हाउसफुल रहे, मेरे को बहुत प्रेम मिलता है सर, सारे शहर के दर्शकों से मुझे प्रेम मिलता है, बहुत अच्छे दर्शक सर, हमें ऐसा लगता है नल रंग जो बात आपने कही, थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए, उदारता लाओ, एक दूसरे के काम को सराहो, प्रतिद्वंदिता मत रखो, ये ग्रांट के चक्कर में भी थोड़ा सा आ गया है ना सर, तो विभक्त कई ग्रुप्स बन गए, ग्रांट का फायदा हुआ नुकसान ज्यादा हुआ,
और जो इंडिजिनस का तो और ही नुकसान है, किसी ने भी अप्लाई किया मिल गए, फिर हमारे दर्शक टूटे, आपने एक बहुत खराब शो कर दिया, दर्शकों ने देखा उन्होंने कह रहे यार नाटक ऐसा होता है, तो ये बहुत दिक्कतें भी हुई, ग्रांट टूटने के फायदे भी हुए नहीं मिलने। मैं तो बहुत खुश हूँ, तो सबसे पहले मैं तो आया तो रेपेट्री बंद करा, हिमांशु रेपेट्री बंद कर, हमारे हिमांशु लोगों ने मिलकर के रेपेट्री बंद कर, ये सारा करके। लेकिन अब जिज्ञासा बनाने के कारण भी था कि मुझे कुछ स्वतंत्र काम भी करना था, और ये मेरे को बाबा ने सिखाया था कि कभी यदि स्वतंत्र काम करने की इच्छा हो तो करो, जैसे कि हाँ करना चाहिए, तो वो मैंने बना ली, और किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सारे लोग क्योंकि सबकी विचारधारा वही, रंग कर वही कर रहे, सारे लोगों के दोस्त कॉमन, सब कुछ तो कॉमन, कुछ नहीं हुआ। कई बार होता है ना कि हम लड़के को रहते हुए उसका घर अलग बना देते, कि चल तू वहां रह, घर के आके यहाँ रात को खाना यही खाया कर, ऐसा भी तो होता है। टूटते नहीं, बन गई एक संस्था, बन गई बन गई, ऐसे सारे लोग अपनी संस्था यदि बना भी ली है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रेम व्यवहार के साथ सारे लोग काम करो, एक दूसरे को दाद दो, अच्छा लगेगा, एक दूसरे के अनुभव का फायदा उठाओ। नहीं तो मुझे जो चीज आती है आगे आने वाला मेरे ही से प्रतिद्वंदी करते, मेरे ही से रात को दारू पी के मेरे ही गाली दे के आगे और मारने के लिए आगे, कई बार हुआ ऐसा होता है, वो उनको कोई किसी चीज वो दंडता आ जाती, क्योंकि पैसा मिल गया, ग्रांट मिल गई, जेब में पैसा। पर इस कोरोना काल में लोगों को अकल आ गई, अब बैक टू बेसिक हो गए, लोगों ने दाल चावल रोटी का इंतजाम हो जाए महीने भर का, इतना भी रहे करते रहे, क्योंकि रंग कर्म में पैसा तो है नहीं, फिल्मों में है पैसा, रंग कर्म तो हम शौकिया करते, लेकिन इसमें हमें निकालना तो है, अब कर तो रहे रंग कर्म, उम्र भी हो गई 40-45 साल, क्या करें, और कहीं नौकरी तो कर नहीं सकते, तो मिलेगा आने वाले समय में, कुछ कुछ होगा, कुछ शॉर्ट फिल्म बनाने लगे, कुछ कुछ कर रहा है, करेगा, जिएगा, स्ट्रगल करेगा, बस मजबूती से साथ में रहो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो। हमारे तो सारे शहरों के, आप ही हमारे मित्र हैं, हमारे सारे शहरों के मित्र हैं, हम सबसे संपर्क बना के रखते, तब से विनंती से बात करते, सारे लोगों से बात करते, और सारे लोग अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हमने मोबाइल थिएटर सरकार से भी बात करने वाले कि जैसे मैं जब भोपाल में आके एक नाटक तैयार कर, मैं कोई NSDM नहीं हूँ, मैं कोई MPSDC से नहीं, पर मेरा अनुभव है, मैं एक नाटक भोपाल के ग्रुप को भी एक नया मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं 15 दिन आके एक नाटक तैयार करूँ, सरकार उसको प्रमोट कर दे, हम दर्शक शो कर देंगे, सारे लोगों को पैसा मिल जाएगा, एक नया नाटक तैयार हो जाए, उसके शोज होते जाएंगे, इस तरह से हम इसको एक मोबाइल डायरेक्टर रहेगा, मोबाइल थिएटर करेंगे एक दूसरे के यहाँ, इस तरह से आपस में सामंजस्य के साथ एक दूसरे के अनुभव, एक दूसरे का सीखने का काम करने का तरीका मालूम पड़ेगा। मेरे बहुत सारे भोपाल के मित्र तैयार भी हो गए, अभी मैं नाम डिक्लेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा भोपाल में आके एक नाटक तैयार करूँ, मेरी बड़ी इच्छा है, और लोग साथ देंगे। लगभग 1 मिनट बचा है भाई साहब, तो मुझे लगता है इसी बात से पर आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सारे रंगकर्मियों को, और जितने आए उनको धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना, मुझे तो लगता है कि ये 3-4 घंटे का सेशन है, बड़ा मजा आ जाए, इतनी सारी बात। एक बार का और वादा कर दीजिए, तो फिर हम 10 दिन में फिर मिलते हैं ना, अच्छा लग रहा है। लेकिन दर्शकों का भी ध्यान रखो ना, उनको भी तो नया चेहरा चाहिए, हमें तो करना है बात, उनको भी सुनने के लिए और लोग चाहिए, ऐसा नहीं अन्याय उनके साथ ना हो। आपको पुनः धन्यवाद चाहेंगे, जी जी आपको विशेषतः धन्यवाद, और ये इंस्टाग्राम पे हम लोग तो टेक्नोक्रेट होते जा रहे हैं मालूम, हमें कुछ नहीं आता, ये जूम आपने सिखा दिया, हम सीख गए, पहली बार आपने सिखाया, आपको वाकई धन्यवाद देते हैं, आपने इतना बड़ा सम्मान, मैं इस लायक नहीं हूँ जी, ये आपका बड़प्पन इतना सब कह रहे हैं, वरना मैं बहुत कृतार्थ हूँ, सही बात बता रहा हूँ आपसे बात करके, और ये अनुभव बना रहेगा, एक भाग में हम और मिलेंगे कुछ दिनों बाद, आपसे बात कर लूंगा, हम वो सब अनुभव सुनाएंगे एज ए वर्कशॉप, लोगों को बताएंगे हम जी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार जी।